यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद सड़क से सियासत तक हलचल तेज है। कार से किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र का नाम आ रहा है। आरोप है कि हिंसा का मास्टरमाइंड आशीष ही है। पुलिस ने आशीष मिश्र समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या और कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। विपक्षी दलों ने केंद्र और यूपी सरकार को घेरते हुए अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग की है। मामले को लेकर अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र ने आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि वो मौका वारदात पर मौजूद नहीं थे। जैसा कि हमारे लखीमपुर जनपद के सभी लोग जानते हैं, लगभग 30-35 सालों से हमारे यहाँ दंगल का आयोजन होता है और उसी दंगल का आयोजन इस बार भी हो रहा था। उसमें हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय केशव मौर्य जी का मुख्य अतिथि के रूप में रहना था, तो उसमें हमारे 3 वाहन आदरणीय डिप्टी सीएम जी को काले शरण तिराहे पर, जो बिलराया यूनियन के नाम से भी, बिलराया ट्रक यूनियन ऑपरेटर यूनियन के नाम से भी जानते, वहाँ पर रिसीव करने के लिए जा रहे थे। उस बीच में जो लोग ये बता रहे हैं कि हम लोग किसान हैं, ये लोग बैठे थे, इन लोगों ने, ये लोग रोड पर आ गए, हमारी गाड़ियों पर पत्थरबाजी करी और जिसमें हमारे ड्राइवर क्षतिग्रस्त हो गया, हरिओम उसका नाम था, वो क्षतिग्रस्त, वो गाड़ी डैमेज हुई, पलटी या एक्सीडेंटल जो भी हुआ, वहाँ पर वो गाड़ी नीचे आ गई, उसको लाठियों से पीट पीट कर उसको मार दिया गया। 4 से 5 कार्यकर्ता हमारे बताए जा रहे हैं मार दिए गए, भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख, सेक्टर प्रमुख स्तर के कार्यकर्ता थे, क्योंकि वो अपने मुख्यमंत्री को लेने के लिए जा रहे थे, अपने वरिष्ठ नेता को लेने के लिए जा रहे थे, उनकी वहाँ हत्या कर दी गई और गाड़ियाँ फूंक दी गई, ये बता रहे, बताइए। और अब कहते हैं कि हम किसान। मामले को लेकर बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि आशीष मिश्र हिंसा के दौरान बनवीरपुर में दंगल करा रहे थे और उसमें रेफरी के तौर पर मौजूद थे, जो जगह घटना स्थल से 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस वीडियो को देखकर साफ तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये ठीक उसी वक्त का है जब हिंसा हो रही थी। वीडियो पहले का भी हो सकता है। सुबह 9 बजे से लेकर के मेरी समझ से 4:30 या 5-6 बजे तक हम बनवीरपुर में रहे, उसके बाद हम वहाँ से निकले तो सीधे लखीमपुर आए, बाकी हम कहीं नहीं गए, बनवीरपुर में ही मैं रहा सुबह 9 बजे से। मंच अखाड़ा या पब्लिक के बीच में, इसका अगर प्रमाण आप चाहते हैं तो वहाँ पर तमाम पब्लिक थी, करीब 3,000 लोग वहाँ पर दंगल देखने के लिए आए थे, प्रशासन के लोग थे वहाँ पर, DM, SP कैडर, ADM कैडर के लोग थे, चूंकि वहाँ पर डिप्टी CM जी का कार्यक्रम था तो इसलिए वहाँ पर रहना स्वाभाविक था। तीसरी बात, बाहर से पहलवान आए थे, कम से कम 50 पहलवान होंगे, 2,500 से 3,000 पब्लिक थी, दंगल कमेटी के लोग थे, दुकानदार थे, जिससे पूछना चाहे पूछ लीजिए। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र बेटे का बचाव करते नजर आए। जहाँ तक हमारे पुत्र की बात करेंगे तो हजारों लोगों के साथ वो कार्यक्रम में 11 बजे से जब ये घटना हो गई है, कार्यक्रम हम लोगों ने घटना को जानने के बाद समाप्त किया, वो वहीं पर थे जहाँ हजारों लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन के लोग, फोटो वीडियो ऐसी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, सारे प्रमाण वहाँ पर हैं। अजय मिश्र लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके से ताल्लुक रखते हैं और वो भी एक किसान परिवार से हैं। संपन्न किसान कारोबारी परिवार के अजय मिश्र ने जिला पंचायत सदस्य के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, लेकिन बहुत कम वक्त में वो बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लखीमपुर जिला मुख्यालय से करीब 75 किलोमीटर दूर नेपाल बॉर्डर के पास तिकुनिया गाँव में हिंसा हुई। बीजेपी नेताओं पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है और किसानों पर आरोप है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 से 15 लोग घायल हो गए थे। मामले की जांच की जा रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।